आपकी फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबके रिस्क और रुजी में इजाफा करे, आमीन सुबह आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। मज़ेदार किस्म के मैक्सिकन के साथ यस बनाए हैं, वो भी हमने पाकिस्तानी स्टाइल में, किचन क्लोजअप के स्टाइल में। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बने। देखने में आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। चलें हम अपने किचन में चलते हैं और आपके लिए रेसिपी तैयार करते हैं। सादियाज वो बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक ग्रिल पैन ले लिया, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये देखिए, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो डोंट बी वरीड, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। ये देखें, हमने चिकन ली थी, बॉयल चिकन 125 ग्राम ली है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है और इस तरह श्रेड कर लिया है, और हल्का सा इसमें मैंने फूड कलर डालकर इसको बॉयल किया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ये देखिए, और सॉल्ट आप डालें अपने टेस्ट के मुताबिक। ये लें, बस इतना बहुत होगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे एक दफ़ा और थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए 1 टेबल स्पून, ये ऐड कर देना है हमने इसके अंदर। बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। मैंने बॉइल्ड कॉर्न्स लिए, ये भी मैं यहाँ डाल दूँगी साइड में, और इसके साथ साथ शिमला मिर्च लिया मैंने 1 अदद, इसको इस तरह बारीक बारीक काट लिया। टमाटर लिया, छोटा सा टमाटर था 1 अदद, इसको इस तरह काट लिया, और प्याज, सब चीज़ें हमने बारीक बारीक काट ली हैं, ठीक है। प्याज भी मैंने एक छोटी सी ली है। ये सब चीज़ें मैं यहाँ डालती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अलग अलग करके, ठीक है। ये देखिए, इसे स्प्रिंकल कर देंगे काली मिर्च। ये मेरे स्टाइल में बनेगी डिश, बहुत मज़ेदार है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए, हमने मैक्सिकन स्टाइल को करा है कन्वर्ट पाकिस्तानी स्टाइल में, थोड़ा थोड़ा टच मैक्सिकन डिश के अंदर आएगा। ये देखिए, लिया था उसके अंदर मैंने नमक डाला था, टेस्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, और 1 टेबल स्पून भर के घी डाला था, और पानी की मदद से इसको गूंद लिया था, जैसे हम नॉर्मली आटा वगैरह गूंदते हैं उस तरह गूंद लिया था। अब मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ कि इस तरह करके गोल सी रोटी बना ली। अब हम इसके अंदर घी लगाएंगे, ब्रश की मदद से लगा लें चाहे हाथ की मदद से लगा लें, कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा लिया हमने, ठीक है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम यहाँ पे इस पर लगाएंगे कर्ट, ये देख लें आप स्टाइल बस देख लें, बाकी सारा कुछ सिंपल है। ये देखें, इसको इस तरह से हमने यूँ करके फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, इस तरह करके हमने इसको यूँ फोल्ड करना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह करके फोल्ड कर दिया, ये देखें, ये इसके लेयर्स आ जाएंगी। अपने रैप्स के ऊपर सेक लेंगे। इसमें हमने कोई अभी घी वगैरह कुछ नहीं डालना, सिर्फ जैसे जस्ट आप रोटियां सेकते ना इस तरह सेकना है, हमने इस तरह सेकना है हल्का हल्का सा। ये देखिए, ठीक है, ये बाकी के दूसरे रैप तैयार कर लेते हैं। डालेंगे मायो, ये देखिए, चम्मच भर के पूरे उस पर स्प्रेड कर देनी है अच्छे से। ये देखिए, ये स्प्रेड कर देने के बाद इसके ऊपर हम हल्की सी ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह, और थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। ये देखिए, इस तरह डालने के बाद हम ये जो चिकन हमने बनाई थी, ये देखें, इस साइड अब हमने रखनी है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ एक तरफ को करके ये चिकन रख दी हमने, उसके बाद ये थोड़े से कॉर्न रख दिए, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटोज, ये देखें तब प्यारा माशाल्लाह कलर आ रहा है। चिकन अगर आपने और खानी तो और डाल दें, कोई इशू नहीं है। अब इसके ऊपर हम चीज़ थोड़ी सी और डाल देंगे, ये देखिए,
ये डालने के बाद इसको हम इस तरह से यूं प्रेस कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये देखिए गरम हो गया हमारा पैन अच्छे से। अब हम अपना ये ज़रा एहतियात से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने खूबसूरत, ये देखें क्रंच, इस तरह ये ऊपर से क्रंची हो जाएंगे और अंदर से चीज़ वगैरह इसकी मेल्ट हो जाएगी, बहुत टेस्टी बनेगी। हमारे तैयार हो चुके हैं खाने के लिए ये। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे, ये देखें मैं आपको बता देती हूँ, बहुत मज़ेदार टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्टी, ये देखिए कितने मज़ेदार बने हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और बेल आइकन को भी, ये देखें बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। चलें अब कल फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।